नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे महिला सुपरवाइजर से संबंधित दोस्तों यहाँ पे सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल थी उसके 15 गुना जो कैंडिडेट थे उनकी यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी गई। दोस्तों क्या लिस्ट है, कितनी क्या कट ऑफ रही दोस्तों, पूर्व की जो सीईटी की लिस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहती है दोस्तों, जो जो कह सकती है हॉस्टल जो वार्डन है उसकी कट ऑफ कितनी रही, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे दोस्तों महिला सुपरवाइजर में कितनी कट ऑफ रही उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों अलग अलग कैटेगरियों में कितनी कट ऑफ रही, जैसे जनरल में, ओबीसी में, एमबीसी में, एससी एसटी कैटेगरी में कितनी यहाँ पे कट ऑफ रहती है, कंप्लीट डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो पे नए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले जिससे कि आने वाली जो भी अगले वीडियो होंगे सभी के नोटिस नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे और आप नवीनतम जो सूचनाएं उसे लगातार यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हो। साथ ही यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जिससे कि आपको नवीनतम सूचनाएं पीडीएफ के माध्यम से और आपकी तैयारी से संबंधित जो भी नोट्स हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जहाँ से जाकर आप इनको ज्वाइन करके सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़ सकते हो या स्कैन क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़ सकते हो दोस्तों लेटेस्ट जानकारी के लिए। तो देखते हैं महिला सुपरवाइजर की दोस्तों यहाँ पे सीईटी जो 15 गुना है उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है, कट ऑफ क्या रहती है दोस्तों और पूर्व की जो हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ क्या रहती है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग में महिला सुपरवाइजर की कट ऑफ इतनी कम क्यों रही, क्या कारण रहा दोस्तों, कभी कट ऑफ सीईटी की जो दोस्तों यहाँ पे सीईटी की बात करते हैं सीईटी की कट ऑफ कभी अधिक रहती है तो कभी कम, ऐसा क्यों है, क्या कारण है, तो वो हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो में चलने के लिए दोस्तों चैनल पे जुड़े रहे। अब बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों यहाँ पे पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 के बारे में यहाँ पे बताया गया कि समान पात्रता परीक्षा दोस्तों यहाँ पे सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके आधार पर यहाँ पे सम्मिलित जो 15 गुना कैंडिडेट है उनके यहाँ पे रोल नंबर की लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे 15 गुना की लिस्ट में शामिल है। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों जो महिला पर्यवेक्षक जो है दोस्तों यहाँ पे उनकी सीधी भर्ती पर्यवेक्षक महिला दोस्तों यहाँ पे उनकी 15 गुना जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई जिसमें टोटल कुल पदों की बात कर लेते हैं यहाँ पे 209 पद हैं जिसमें नॉन टीएसपी के 164 पद हैं जबकि टीएसपी के 45 पद हैं दोस्तों यहाँ पे। समान पात्रता परीक्षा यह कह सकते हैं दोस्तों सीईटी में जो कैंडिडेट टॉप स्कोर में दोस्तों यहाँ पे 209 पदों के 15 गुना जो कैंडिडेट उपलब्ध होते हैं उनका यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी गई। 209 का 15 गुना हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 209 का लगभग आइडिया 15 गुना इसको करते हैं तो 15 लगभग 3000 जो कैंडिडेट है दोस्तों यहाँ पे लगभग दोस्तों यहाँ पे 3100 के लगभग यहाँ पे दोस्तों 3100 प्लस जो कैंडिडेट है यहाँ पे उनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है दोस्तों। 209 गुना यहाँ पे 209 गुना पदों की बात करते हैं, 209 पद हैं उसके 15 गुना की बात कर लेते हैं तो दोस्तों लगभग 3100 के समथिंग जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है। समेकित महिला बाल विकास सेवाएं महिला बाल विकास विभाग के द्वारा दोस्तों यहाँ पे पर्यवेक्षक महिला जो सीधी भर्ती है दोस्तों उसके अंतर्गत जो समान पात्रता परीक्षा है उसमें दोस्तों जो कैंडिडेट 15 गुना की लिस्ट में शामिल है उनकी पात्रता यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी गई। उनके रोल नंबर जो दोस्तों सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल के है रोल नंबर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रोल नंबर की सूची दी गई, जैसे आप रोल नंबर देख सकते हो अलग अलग कैंडिडेट के यहाँ पे रोल नंबर आपको दिए गए हैं जिनको यहाँ पे शामिल किया गया दोस्तों यहाँ पे सीधी भर्ती 2024 जो महिला सीधी भर्ती पर्यवेक्षक जो महिला सीधी भर्ती है 2024 उसमें शामिल करने के लिए या कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे प्री एग्जाम के तौर पर दोस्तों यहाँ पे जो 15 गुना कैंडिडेट के हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। अब जो दोस्तों इनका फाइनल एग्जाम होगा जिसके आधार पर दोस्तों जो 15 गुना में जो कैंडिडेट आते हैं उनका यहाँ पे फाइनल एग्जाम होगा उसी के आधार पर यहाँ पे जो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती है उसके जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे दोस्तों पात्रता निर्धारित होगी दोस्तों या कह सकते हो उनका सिलेक्शन अब जो मेन एग्जाम होगा उसके आधार पर यहाँ पे होने वाला है। तो ये लिस्ट देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एनटीपीसी नॉन टीएसपी दोस्तों एनटीपीसी नहीं नॉन टीएसपी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नॉन टीएसपी मतलब टीएसपी एरिया नहीं है दोस्तों, नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र नहीं है दोस्तों यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र नहीं है मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र की नहीं है। यहाँ पे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की 2022 की जो कैंडिडेट एग्जाम थी उसके यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे दिए गए जो कैंडिडेट यहाँ पे शामिल होते हैं। अब इनकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जनरल कैंडिडेट यहाँ पे सीईटी दोस्तों यहाँ पे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल यूजी सीईटी यूजी की बात कर लेते हैं और उसी के रोल नंबर के आधार पर दोस्तों उसी में जो प्राप्तांक थे उसी में जो हाइएस्ट प्राप्तांक थे प्राप्तांक के जो 15 गुना जो सीटें हैं दोस्तों यहाँ पे सीटें हैं
कितनी 209 सीटों की 15 गुना की लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ क्या रहती है जनरल की 185, जनरल की कितनी रहती है दोस्तों फीमेल फीमेल की दिखा रखी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे महिलाएं जो थी दोस्तों यहाँ पे महिलाओं के पदों के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाली हुई थी, केवल महिला जो कैंडिडेट है वही यहाँ पे आवेदन कर सकती है दोस्तों, महिला जो कैंडिडेट है वही इसमें आवेदन कर सकती है, पुरुष कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल महिला की बात कर लेते हैं तो 185 यहाँ पे रहते हैं, ईडब्ल्यूएस महिला की बात कर लेते हैं दोस्तों, पे मेल की बात कर लेते हैं तो जनरल मेल या सामान्य की बात दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि पुरुष पदों पे पुरुष के लिए कोई पद यहाँ पे निर्धारित नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे महिला पर्यवेक्षक की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक महिला बाल विकास विभाग के द्वारा दोस्तों वैकेंसी जारी की गई, उसमें केवल महिला जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे शामिल होने का मौका दिया गया। तो 185 कट ऑफ जनरल की, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो वही 185 रहते हैं, एससी की बात कर लेते हैं तो फिर दोस्तों 172 यहाँ पे कट ऑफ रहती है, एसटी की बात कर लेते हैं तो 162 यहाँ पे कट ऑफ रहती है, जबकि ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 185 यहाँ पे कट ऑफ रहती है, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की समान कट ऑफ रहती है, जबकि एमबीसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 178 यहाँ पे कट ऑफ रहती है दोस्तों। नॉन टीएसपी, दोस्तों नॉन टीएसपी की ये जो लिस्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है, सीटी ग्रेजुएशन लेवल दोस्तों यहाँ पे 2022 की दोस्तों यहाँ पे उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे जो प्राप्तांक है उनके यहाँ पे जो प्राप्तांक हाईएस्ट प्राप्त कर रखे हैं दोस्तों उन कैंडिडेटों को यहाँ पे शामिल किया गया है, और जो पद है दोस्तों उनके टोटल 15 गुना की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है दोस्तों, आपको लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जहाँ से जाके अपन को ज्वाइन करके सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़ सकते हो दोस्तों, ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। अब ये यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे टीएसपी एरिया की कितनी कट ऑफ रहती है, जनरल एससी और एसटी तीन कैटेगरिया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे टीएसपी की जो जनरल की महिला है उसकी मतलब 146 से 146.2825 यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ रहती है, एससी की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों वही कट ऑफ रहती है यहाँ पे 146.2825 यहाँ पे कट ऑफ रहती है, जबकि एसटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे 137 यहाँ पे कट ऑफ रहती है, 137.2064 यहाँ पे कट ऑफ रहती है दोस्तों। और नवीनतम और अपडेटेड जानकारी के लिए आप दोस्तों विभाग की वेबसाइट से लॉगिन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या दोस्तों आपके अपने चैनल पे दोस्तों लगातार बने रहे जिससे कि इसी प्रकार की नवीनतम जो सूचनाएं आपको मिलती है दोस्तों। आप बात करते हैं कि हॉस्टल वार्डन की दोस्तों कट ऑफ अधिक क्यों रही थी और कितनी कट ऑफ रही वो भी बात करेंगे, साथ ही हमने यहाँ पे देख लिया कि जो महिला सुपरवाइजर है उसकी दोस्तों यहाँ पे कितनी कट ऑफ रहती है 185 रहती है, जबकि हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये आप देख सकते हो हॉस्टल वार्डन की दोस्तों यहाँ पे हॉस्टल की बात कर लेते हैं, हॉस्टल वार्डन WARDEN दोस्तों हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे जनरल की 220 कट ऑफ रहती है यहाँ पे दोस्तों, जनरल की कट ऑफ कितनी रहती है यहाँ पे 220 जो कट ऑफ है यहाँ पे जनरल कैंडिडेट की रहती है, जबकि ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की भी दोस्तों पुरुष वर्ग की यहाँ पे 220 कट ऑफ रहती है, जबकि ओबीसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी की भी दोस्तों यहाँ पे 220.751 यहाँ पे कट ऑफ रहती है, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की यहाँ पे समान कट ऑफ रहती है, जबकि एससी की बात कर लेते हैं यहाँ पे 211.5863 कट ऑफ रहती है, जबकि एसटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे तो 204.7545 यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ रहती है, सीईटी ग्रेजुएशन की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, और ये हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ है आप देख सकते हो किसकी यहाँ पे हॉस्टल वार्डन की, जो कि महिला सुपरवाइजर की हमने यहाँ पे देख ली दोस्तों, टीएसपी और नॉन टीएसपी महिला सुपरवाइजर की कट ऑफ की है, और ये दोस्तों यहाँ पे टीएसपी की जो महिला सुपरवाइजर दोस्तों यहाँ पे किसकी महिला सुपरवाइजर टीएसपी की कट ऑफ है। आप बात करते हैं दोस्तों हॉस्टल वार्डन की, यहाँ पे दोस्तों हॉस्टल वार्डन में जिसमें महिला और पुरुष यहाँ पे बात कर लेते हैं, पुरुष और महिला दोस्तों यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेटों को शामिल किया गया, और दोस्तों यहाँ पे टोटल पदों की बात कर लेते हैं तो 110 पद यहाँ पे दोस्तों हॉस्टल वार्डन के थे, उनके दोस्तों यहाँ पे 15 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पे दोस्तों शामिल किया गया, और 15 गुना कैंडिडेटों में यहाँ पे 220 दोस्तों यहाँ पे 220 यहाँ पे कट ऑफ रहती है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, जबकि एससी और एसटी की यहाँ पे दोस्तों इससे थोड़ा यहाँ पे छूट के आधार पर सीट रहती है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो महिला सुपरवाइजर भर्ती से संबंधित 15 गुना की लिस्ट जारी कर दी, कट ऑफ क्या रही, कट ऑफ कम या अधिक रहने क्यों रही वो भी रीजन मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले जिससे कि आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।